गाइस, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी शादी करने वाली है। आज उसने अनाउंस कर दिया है, फेसबुक में पोस्ट कर दिया है, सबको इनवाइट कर रही है। हेलो गाइस, नमस्ते, जय श्री कृष्णा, केम छो मजा मा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ शॉप पे, ये सामान है, पूरा सामान खरीद के मुझे शॉप में जाना पड़ता है, रोज आगे खरीदना पड़ता है। तो मैं पहुंच गई हूँ शॉप, बहुत ज्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर बैठती हूँ, उसके बाद खाना खा लेती हूँ। कस्टमर आ गया। हेलो, समथिंग कैन सी इनसाइड, ऐसे बुलाती हूँ मैं। तो अब खाना खाते हैं। इनका तुमने खा रही है खाना, क्या हो गया तुमको आज? ओहो, देखो मैं बोल रही थी ना गाइस, ये लड़का तारती रहती है, लड़का तारती रहती है। वो दो बार हो गया, इधर क्रॉस करते हो, उसका ये दांत जो है ना बहुत क्लीसा है। दांत भी देख लिया तुमने? हाँ, नहीं मुझे दांत पसंद है उसका ऐसा। तुम अगर लड़के को देखते तो पहले चीज क्या नोटिस करती हो? हैं हाथ नोटिस करते हो क्यों? मुझे हाथ पैर बहुत पसंद है। सबके पास हाथ पैर होता है बहन, फिर भी मुझे पसंद है, वो स्लिम स्लिम है ना। ओके ओके, खाना नहीं खा रही है तू अभी? नहीं खाना। ठीक है, तो मैं खा रही हूँ। तो मैंने टिकटॉक से सामान मंगवाया था, ये है, ये जो है सॉक्स है। ये कितने पीस होगा अभी काउंट करती हूँ, ये सिर्फ 37 है। इतने सारे पीस मिला, 37 का ही है, अभी काउंट करके बताती हूँ। एक तो मैंने पेन लिया है ना, अच्छा है ना उनका। अच्छा, अभी टिकटॉक से भी शॉपिंग कर सकते हैं गाइस हम लोग बैंकॉक में। इंडिया में जो टिकटॉक बैन है तो यस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर टिकटॉक में भी हम लोग मंगवा सकते है। देखो इतना ज्यादा, मुझे लगा ये बच्चा का है, फिर देखा तो हाँ बड़े लोग भी पहन सकते हैं। ये स्ट्रेच बैगरा वन, इधर मत रखो। ओके ओके, नहीं नया है ना, फिर भी नहीं। ओके, वन टू टू थ्री फोर फाइव सिक्स, छी ये कितना अब गंदा कलर है, सिक्स गुड पौधे जैसे कलर। कितने पीस हो गया? सेवन हो गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, हाँ दस, दस है, सिर्फ 37 का है। कितना अच्छा में हो जाएगा, 100 रुपया, 100 रुपया यहाँ पर है ना, यहाँ पर आगे खरीद लेंगे तो एक को, अगर यहाँ पर खरीद लेंगे तो एक को 20 बात है। अभी तो 20 का, देखो अभी तो 37 में कितने ही मिल गया मुझे, मैं तो बिजनेस भी कर सकते हैं ऐसे, है ना। लोग बिजनेस करने के लिए नहीं मंगवाए थे, खुद के लिए मंगवाए थे। गाइस, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी शादी करने वाली है, आज उसने अनाउंस कर दिया है, फेसबुक में पोस्ट कर दिया है, सबको इनवाइट कर रही है। तो अभी मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, उसे भी मैंने आप लोगों को बताए थे पर मैंने नाम नहीं बताए कौन है। आप लोगों को भी पता है यार, नाम बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड सिर्फ एक ही है, वो है साना खान। ओहो, साना खान भी शादी करने वाली है। हाँ, वो और मैं कितने इयर्स की फ्रेंडशिप है, 8 इयर्स के फ्रेंडशिप है। हम दोनों है ना बहुत झगड़ते थे, बहुत ज़्यादा झगड़ते थे पहले, हम दोनों एक दूसरे से झगड़ते थे ना। वो और मेरा दुकान जो है ऐसे आजू बाजू में ही है, वो उसका दुकान है ना, साना खान का दुकान है, तो ये मेरी दुकान है ना। अगर हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते ना, हम लोग एक दूसरे को देखते रहते थे आँखों में ऐसे देख के, कमी नहीं, तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ऐसे करके। फिर ना वो मुझे मतलब मिस करती है, वो मुझे बात करना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है ना, वो एक सांस ओपन करती है, और जब मुझसे गुस्सा होता है ना तो एक सांस ओपन करती है। मुझे याद है कि वो कौन सा सांस ओपन करती है, वो परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो सांस ओपन करती है जब मुझसे बात करना चाहती है ना वो ऐसे। बहुत ज़्यादा झगड़ते थे हम लोग, बहुत ज़्यादा। अगर मैं नया दोस्त बना लेती हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा जेलस करती है, बोलते हैं कि तुमने नया दोस्त बना लिया तो मैं ना अब इससे वीडियो करेंगे, अब इससे रील्स बनाएंगे, अब इससे टिकटॉक बनाएंगे, मुझे पता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती थी मुझसे, और उसको डर लगता है ना कि मैं उसकी जगह किसी और को ना दे दूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ तुम्हारा जगह कोई भी नहीं ले सकती है, सिर्फ तू है मेरी बेस्ट फ्रेंड, सिर्फ अकेली है। अभी तक मैं ना किसी को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया उसके अलावा, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रहेंगे और अभी भी है। हाँ, तो उसकी शादी तो मुझे जाना ही पड़ेगा, अगर मैं नहीं जाऊंगी ना वो मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे, मुझे पता है इसलिए। पर मुझे ये आइडिया नहीं कि मैं क्या पहन के जाऊँ उसकी शादी में,
उसका तो शादी ने क्या बोलते हैं निकाह निकाह बोलते हैं हम इस्लाम पे, हाँ निकाह करने वाली है। मैं क्या पहन के जाओ, वो लोग की कर्ज अलग है ना, इसलिए मतलब समझ में नहीं आ रही कि क्या पहन के जाओ। उसने तो मुझे बोला कि तुमको जो भी पहनना है वो पहन के आ जाओ। उसको पता है कि मैं ऐसे मतलब इतना ज़्यादा हाइट नहीं पहनती हूँ और इतना शॉर्ट पहन के नहीं जाते, उसको तो मालूम है। फिर भी उसने मुझे बता दिया कि जो भी तुम पहन के आएंगे ना मुझे बहुत खुशी होगी, कि उसको तो सिर्फ मैं चाहिए हूँ ना वहाँ पर आने के लिए। तो मैंने मम्मी को मना लिया है, मम्मी मुझे ओके बोल दिया है। मम्मी को बहुत मनाना पड़ा तभी मम्मी मुझे जाने के लिए दिया, वरना तो जाने नहीं देती, क्योंकि वो अभी बैंकॉक में नहीं है, वो अभी दूसरी जगह में रहते हैं। वहाँ पे जाने के लिए एक दिन लगता है। अगर हम लोग यहाँ से रात को गया ना 6 बजे गया तो वहाँ पर सुबह पहुँचेंगे, हाँ इस तरह है। तो मम्मी इतना दूर मुझे कभी अकेले नहीं जाने नहीं दिया, ये पहली बार है मुझे जाने के लिए दिया है। सो यस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, और मुझे उसको दुल्हन के रूप में देखने के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे ये डर है कि मैं रो ना पारे मैं ज़्यादा रोती हूँ उसको देखती हूँ तो, वो भी रोती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है हम दोनों दोस्त। ओए क्या कर दिया मैंने करे। सो यस, यही बताना था गाइस, जेके भी शादी करने वाली है, आप लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ मेरी फ्रेंड की तरफ से, आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। यस, सना खा भी शादी करने वाली है, शादी शुदा होने वाली है। तो दुकान भी बंद कर लिया है, अभी मैं जा रही हूँ वापस से घर। मेरे साथ मेनुका नहीं है, सोनू भी नहीं है, क्योंकि वो लोग चले गए हैं बिग सी मम्मी के साथ सामान उठाने के लिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हैं कि मैं घर जाके आराम करूं। मम्मी ने बोला जो भी घर जाएंगे ना उसको जाके घर में काम करना है, खाना गर्म करके रखना है। और अरे अरे क्यों फोटो खींच रहे हैं मेरे, अरे ओके 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 कल मिलते हैं मीडिया लोग। खाना गर्म करके रखना है, जो भी बर्तन है उसको मांजना है, साफ सफाई करना है, झाड़ू लगाना है, वो बोल के खींचा है मुझे। ऐसे जो भी घर जा रहे हैं ना वो तो मैं हूँ ना, मुझे ही करना है। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, तो सारा काम फिनिश करने के बाद मैं खा रही हूँ खाना। मेनुका सोनिया शिव मम्मी लोग भी आ गया है, अंदर खा रहे हैं वो लोग तो खाना, मैं खा रही हूँ बाहर पे। मुझे मूवी देख के खाने की आदत है, खाना खाने के टाइम ही मैं मूवी देखती हूँ, बाकी टाइम मैं नहीं देखती हूँ, बाकी टाइम मैं पढ़ाई कर रही हूँ। खाना वगैरह भी खा लिया है, अभी करती है ब्रश। गाइस आप लोगों को पता है मुझे ना मेरी दांत, मुझे बोल रही हूँ मेरी दांत है ना एक और आने वाली है, यहाँ पर सबसे पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोगों का पूरा हो गया दांत, ऐसे आते हैं क्या आप लोग का भी? मेरा तो अभी आ रहा है यार, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है ना, मतलब पूरा तो है पर एक्स्ट्रा और आ रहा है, नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, बस यही इनाफ है।